बात कहना चाहती हूँ कि ये इलाका आप लोग जैसा कहते हो कि भाई यहाँ पर तो गढ़ है, अब कोई गढ़बड़ नहीं रह गया, यहाँ पर सारे गढ़ जो है वो गड़बड़ हो गए। और इसीलिए उन लोगों ने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से चुन के बड़ी पंचायत के अंदर भेज दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब इस इलाके का विकास होगा, तो इसलिए बढ़िया काम यह है कि इनको इलाके में घुसने ही ना दो। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी साजिश है। उनको ये पता है कि सुनीता दुग्गल का पद फेरा जिस गांव में हो गया उस गांव में विकास होगा ही होगा, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा भाई सुनीता दुग्गल को तुम गांव में ना घुसने दो। लेकिन भाइयों, जिस तरह से आप सब लोग यहां पर खड़े हो और जिस तरह से हमारा संगठन यहां पर एक है, अब दुनिया की कोई ताकत सुनीता दुग्गल को आप लोगों के बीच में आने से नहीं रोक सकती। हमारे बहुत से छायाकार बंधु एक तरफा वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही, जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही। आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने केंद्र से और हरियाणा से आपके इलाके के लिए क्या क्या काम किए हैं। अपनी कागज पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, और इसके बाद कोई ये बात नहीं कहेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आपके इलाके के लिए कुछ नहीं किया। अब आप एक एक करके सारी चीजें मैं गिनाऊंगी और आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हमारे इलाके ने 58 करोड़ की लागत से बड़ोपल और धांगड़ और खाराखेड़ी और दरियापुर में हमारी केंद्र की सरकार ने NH9 पर 4 अंडरपास मंजूर करवाए। 58 करोड़ की लागत से केंद्र की सरकार से मैं लेकर आई ये काम, आप लोगों के बीच में नोट करते जाइए एक एक करके। जोधका में, बड़ागुड़ा में रेलवे फाटक की समस्या थी, वहां पर रेलवे अंडरपास को मंजूर करवाया, मैंने करवाया आप लोगों के लिए। फसल बीमा योजना 2016 के अंदर जो है आई, कांग्रेस सरकार ने कभी 2 रुपए के चेक, कभी 4 रुपए के चेक। अरे मैं कह रही हूं वहां खड़े खड़े थक जाओगे, यहीं आ जाओ, बात सुन लो, पहले पूरी सारी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। 2016 के अंदर बीमा फसल योजना आई, और आज तक हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को सिरसा के अंदर 1041 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं हमारी सरकार। मैं कह रही हूं अपनी आत्मा के ऊपर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मेरे किसान भाई बताएं कि हमारी सरकार ने अगर आप लोगों को समय से मुआवजा नहीं दिया तो दिया कि नहीं दिया? दिया है ना। ये देखो, ये हमारे सारे भाई हाँ भर रहे हैं। अध्यक्ष जी आप ये देखिए, आपके सामने सबके सब हाँ भर रहे हैं। हाँ, और पिछली बार हमारे कृषि मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने आप लोगों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कह कह के करवाया कि नहीं इस इलाके के मुआवजा मिलना चाहिए। और मुझे याद है भाई साहब कि आपने जब पिछली बार धनखड़ भाई साहब, एक बार इनको कहना जरा। हाँ जी अध्यक्ष जी, मुझे याद है पिछली बार जब आपने मुआवजा दिया था तो एक बार ये भी कहा था, मेरा नागचंद जी कर रहा है, इतना मुआवजा हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे भाइयों को दिलवाया। दिलवाया कि नहीं दिलवाया? दिलवाया ना। अब और सुन लो, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि हमारा किसान भाई, उसको बहुत दिक्कत होती है भाई, उसने आरती से पैसा लिया, फिर फसल हुई, फिर फसल कटी, फिर पैसा आया, फिर आरती को पैसा दिया, तो उसको बीज के लिए, खाद के लिए पैसा चाहिए। ये बात सोच के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अंदर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू करी, और हर मेरे किसान भाई के खाते में 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए गया कि नहीं गया? सीधा खातों में गया ना। देखो, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये लोग ये सोचते हैं कि सुनीता दुग्गल
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बीच में चली गई लोगों पे तो वो बहुत काम करवाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया काम ये है, चार काले झंडे दिखा के घुसने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे भाई। अब कोई माई का लाल रोक के दिखाए और सुनीता दुग्गल आप लोगों के बीच में ही रहे, क्योंकि ये चार लोग हैं और यहाँ सैकड़ों हजारों सुनीता दुग्गल के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दुनिया की ताकत आप लोगों के बीच में आने से हमें रोक सकती है, क्योंकि इनको पता है। अभी तो और गिनते जाओ कि जो 6-6 हजार रुपया करके सिरसा जिले के किसानों को 205 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया। अब मेरी बात सुनो, अब सिर्फ और सिर्फ कागदाना की बात करती हूँ। सुनील सरपंच जरा मेरे पास आ जा भाई, एक बार इधर आ जा जल्दी से। देखो आपके कागदाना में पिछले 6-7 साल के अंदर 20 करोड़ रुपया इस गांव के अंदर हमने लगाया। नंबर एक, पीएचसी का हॉस्पिटल 4 करोड़ की लागत से बनवाया। पीएचसी हॉस्पिटल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया?